परी, परी किसका नाम है फिर? बोल क्या रही, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। जो बब्बू को पसंद नहीं था पर मैंने फिर भी मंगवा दिया है। क्या बनना भाई रात को 12 बजे? सुबह मेरे से कोई नाश्ते की उम्मीद मत करना ना, लंच की उम्मीद करना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू व्लॉग पर, और आप सबको हमारा नमस्कार, प्रणाम, पैलाग। कैसे आप सब लोग? चाय पी लो, तभी मैंने कहा कोई बात नहीं चाय पीने देती हूँ। अब बोलो गुड मॉर्निंग सर। कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, और हम भी बढ़िया है। और फिलहाल अभी हमारा चल रहा है यहाँ पे चाय नाश्ता, बब्बू के लिए लंच बन चुका है। आज फिर से लेट हो गया बेब, अब मुझे बहुत नींद आ रही थी, अलार्म बजा, मैंने बंद कर दिया, मैं फिर सो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि अलार्म बजा भी नहीं बजा। तो ये चलिए अभी तो करते पता चाय और ब्रेड टोस्ट करके बब्बू ने, और मेरे को तो तुम्हारा अलार्म सुनाई देता है। इतनी गहरी नींद में क्यों सोते जो तुम्हें मेरा अलार्म नहीं सुनाई देता, ये बता दो। आज तक नहीं सुनाई देता। हाँ तो यही तो दिक्कत है ना, खुद तो उसी दिन सुनाई देता, वैसे खुद तो गहरी नींद में सोते हो तुम, कहाँ से सुनोगे। आज मुझे बहुत भयंकर नींद आई थी तो अलार्म बजा और मैंने बंद किया। अभी मेरे को उस बात में याद आया कि मैंने शायद अलार्म बंद कर दिया था, तब मैं सो गई थी। हम जैसे लोग फिर न्यूज़ के अलार्म जाते हैं ऑन टाइम हो जाते हैं। कौन आप? चल झूठे, तभी परसों 8:15 बजे से पहले नहीं उठे थे जब तक मैं नहीं उठी। ऑफिस जाने से पहले उठ जाता ना, तो ऑफिस की बात तो अलग हो जाती है। उस टाइम पे तो हर कोई उठ जाता डर के मारे, जाने का टाइम हो गया करके ऐसा खौफ। चलो भाई मैं भी अपना चाय और टोस्ट वगैरह लेती हूँ, ठंडा हो जाएगा ना, गर्म होगा मेरे को बत्ते। मेट्रो से जाओगे? बाय भाभी। चलो फिर आप भी जा रहे हो? बाय। फिलहाल बाहर का मौसम तो बहुत बढ़िया है और अंदर के मौसम का हाल इस बाहर के मौसम के अकॉर्डिंग अपोजिट है। बोलो हाय। अच्छा नाम बताओ चलो अब अपना। कंचन। कंचन दादी का नाम है, मुझे भी पता लग गया अब तो कि दादी का नाम है कंचन। आपका नाम क्या है? कंचन। आपका नाम क्या? परी। कंचन। परी, परी किसका नाम है फिर? कंचन। परी किसका नाम है ये बताओ? कंचन। लो दादी का नाम हड़प लिया। परी शर्मा। परसों मेरे से ये पूछते हैं कि बच्ची का नाम क्या है, मैंने कहा वो अपना नाम बताती नहीं है, वो दादी का नाम बता। हस्बैंड पूछ रहे थे ना दादी कंचन, और पोती का नाम क्या है? कंचन। हाँ देर से कभी वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं ना। मम्मी पापा भी लेट आए थे रात को। हाय लेट आए? ओ अच्छा। परी बोलियो आपका नाम क्या है? परी शर्मा बोल दो। परी शर्मा किसका नाम है? परी शर्मा किसका नाम है? मैं। क्या चम्मी। किसका नाम है परी शर्मा ये तो बताओ फिर? मेरा। अच्छा अब मेरा। अब परी मेरे संग चॉकलेट शेयर करेगी पक्का? प्रॉमिस प्रॉमिस करो पहले, प्रॉमिस प्रॉमिस। वादा बद्दा? अच्छा ठीक है वादा हो गया। ठीक है अब मेरे को भी चॉकलेट मिलेगी ना परी के साथ साथ। बल्ले 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 बढ़िया लग रहा है आपका कुर्ता सूट तो बड़ा प्यारा है, छोटा छोटा सा। कैमरा साफ कर देते, कैमरा खराब हो रहा। ये लो कौन है? दादी। दादी और दादी के साथ कौन आ रहा है? गुंडा। गुंडा परी शर्मा। परी शर्मा का सूट कितना प्यारा प्यारा सुला दो दादी मामा। चलो अब मेरे लिए परी चॉकलेट आएगी और परी का सूट बहुत प्यारा है, परी मेरे लिए सूट देगी। अरे कौन आया? कोई नहीं है ना, कोई नहीं रहता यहाँ। परी जा रही है भगवान जी से मिलने के लिए। चलो जय करो भगवान जी को। जय। अपना नाम बता दो भगवान जी को। परी। परी शर्मा नाम है बोलो। ये क्या हुआ है? ये भगवान जी माजी है। हाँ माता रानी माता। हाँ जय माता दी बोलो। जय माता दी। जय माता दी। ये कान्हा। हाँ उसमें कान्हा है, कान्हा।
बना बैठे छोटे छोटे से। दादी बुला रही है आपको, दादी बुला रही है, जाना है आपको दादी के पास? नहीं बोल दादी गई बाय बाय गाड़ी में बैठ के जा रही है पापा साहब। दादी जा रही है जल्दी आओ नानी पास जल्दी आओ। मम्मी पापा नीचे आ रहे हैं गाड़ी में। हाँ आ रहे हैं। वो ना है मम्मी का भी है ना परी, बताओ कोई नहीं है? कोई नहीं है, कोई नहीं रहता यहाँ। गए सब गए। हाँ बस बस मैं हूँ यहाँ। ये बाजी का है? हाँ हाँ। ये मेरा माइक है। हाँ ये रिमोट है। ये सोफा है। वो कुशन है। और ये क्या है? ये क्या है? ये माइक है। ये भी माइक है। सब पूछ रहे क्या है? ये सोफा है। ये भी बनवाया आंटी हमने। तो मेरे साथ आ जाई है मेरी छोटी पड़ोसन। छोटी पड़ोसन से मिले सब। ये हमारा है सब। इसके सवाल खत्म नहीं होते। ये किसका? ये काका। ये हमारा। घर पे कोई नहीं मिला आपको आज? नहीं ओ, कोई नहीं मिला परी को घर पे? नहीं बोल क्या रही, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। सब कहाँ गए परी? ये किसका? ये हमारा है। आप बताओ पहले सब कहाँ चले गए? सब कहाँ गए? सब गए? गए। कहाँ गए? सब के सब ऑफिस गए। में सब ऑफिस चले गए। इधर ये भी, ये बैठना है इधर लो। तो जी मैं तो आज हो गई हूँ लेट, और सुबह आज बहुत ज्यादा पता नहीं पेन हो रहा था शोल्डर से पूरा हाथ में। तो मैं बब्बू के जाने के बाद ऐसी शिकायत करते करते लेट गई थी। सो भी नहीं, मैं सो जाऊंगी तो आराम का बहुत दर्द हो रहा। पेन पता नहीं आप क्यों इतना ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है। तो अभी जाके थोड़ा नहा धो के अपना छोटा मोटा काम करा मैंने, और अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट को। ये लंच ही हो रहा मेरा तो सीधे। तो थोड़ी देर के बच्ची भी आ गई थी बगल में, तो उसके संग थोड़ा टाइम पास हो गया। देखा तो एक बज गया, और अभी तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। तो चलिए अपना खाना ना खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। मेरा नाश्ता, लोगों की कॉल और लोगों का मेरे घर पे आना, सब एक साथ होता है ना। मैं ढंग से नाश्ता कर पाती हूँ और ना ही मैं अच्छे से चाय पी पाती हूँ। वो देखो नाश्ता तो जाते जाते फटाफट खाया, क्योंकि मेरा पार्सल आ गया था। और अमेजोन वाले का पार्सल मेरे ही खाने के टाइम पे आता है, चाहे मैं मॉर्निंग में खाऊं, दिन में खाऊं या शाम को। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसमें क्या मंगवाया है करके, जो बब्बू को पसंद नहीं था पर मैंने फिर भी मंगवा दिया है। तो जी चलिए अब करते हैं अपने व्लॉग, ना व्लॉग की जो पार्सल की अनबॉक्सिंग। अब आप कह रहे होंगे कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ। तो मैंने मंगाया है अमेजोन से, वेट अ मिनट बताती हूँ क्या मंगाया है। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ ओपन करके, ठीक है? उज्जा मेरा बॉक्स फट गया रे बाबा, क्या कंडीशन में आया है और कैसा आया है। इतना तो कबाड़ी भेज देते यार मेरे घर में, इतना इतना कूड़ा तो मैं नहीं करती जितना यहाँ से आ जाता है पार्सल वार्सल के साथ में ये। तो ये रहा मेरा पार्सल, इसमें है स्पैनिश सेरेमिक डाउन, ज़्यादा इंग्लिश हो गई मुझे, सिंपल सी भाषा में फ्लावर पॉट। अब इसको खोलते हैं यहाँ से। ये तो बहुत बड़ा लग रहा था, ये तो इतना सा है। तो ये रहा फ्लावर पॉट जो मैंने लास्ट टाइम जब मैं गई थी द्वारका सेक्टर 7, मैंने कहा माइक ऑन है तो चेक कर लेती हूँ, द्वारका सेक्टर 7 गई थी। द्वारका सेक्टर 7 में जो बंजारा मार्केट है वहाँ पे मैंने ये देखा था,
वहाँ पे भी इसकी कॉस्ट 250 कुछ ऐसी थी, और ऑनलाइन भी मुझे ये पड़ा है 200 का, यानी कि 200 का। तो कैसा लग रहा, पैसे लगाने जा रही हूँ वहाँ पे, बट मेरे पास फ्लावर पॉट नहीं है, वो फूल नहीं है, फूल लेकर आऊँगी, पॉट तो खुद ही है। और शाम को बब्बू का भी रिएक्शन चेक करेंगे, क्या कहते हैं उनका मूड देखेंगे, तुमने फिर मंगा लिया। तो फिलहाल कंडीशन तो ठीक है, पैकिंग भी अच्छी है इसकी। तो ये देखिए ये ऐसा है, तो मैं इसको, मैं तो दिख रही पता नहीं, बस एक बार दिखा देती हूँ, वैसे इसको हटा देती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ, या फिर इसको यहाँ रख दूँगी फिर ऊपर। तो अभी मैंने ये रख दिया है यहाँ पे पॉट, मैं यहाँ से चीज़ें हटा हटा के थक जाती हूँ, बब्बू ही रख देते हैं ऊपर ये रखा हुआ है, नीचे पॉट रख दिया, पॉट ऊपर रख देते हैं, एक बार कैसा रहेगा देखते हैं, यहाँ रखना चाहिए कि वहाँ रखना चाहिए। इसमें फूल लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए बता दो, या ऐसे ही से लग रहा, ये भी बताना मुझे, ठीक है। बाकी फिर देखती हूँ उसमें कुछ और मिलेगा, अभी मुझे 2-3 चीज़ें मैंने और मंगाऊंगी, सोचा है कि मैं कुछ चीज़ें और मंगाऊँ जिससे कि प्रॉपरली डेकोर हो जाए मेरा रूम। बट बब्बू कहते हैं कि नहीं, खाली खाली सही ना, फ़ोटो तक नहीं लगवाने देते यार, घर मेरा है फ़ोटो नहीं लगा सकते, बस क्या ही कहूँ। तो चलिए फिलहाल मेरा ये भी पार्सल हो चुका है अनबॉक्सिंग, और अभी मैं एक सीरीज़ देखी थी, पता नहीं आज ये पूरी होगी या नहीं ये नहीं पता, और मुझे अभी व्लॉग भी एडिट करना है जो मैंने अभी तक किया नहीं है। व्लॉग अपलोड करने में भी यार बहुत परेशानी हुई मुझे, पता नहीं क्यों इतना हैंग हो रहा था सिस्टम बार बार, कि तब से मतलब कुछ भी सेलेक्ट करो वो सेलेक्ट ही नहीं होता, मैं वैसे इरिटेट कर दिया मुझे, और मार्केट जाना था मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा, मन तो कर रहा था लैपटॉप उठाकर फेंक दूँ इतनी इरिटेट हो गई थी मैं। और आज सुबह से मैं वैसे बिजी हो गई थी, बगल में बच्ची आई थी तो उसके साथ भी एक बज गया था मेरे को, कहाँ कुछ टाइम गया पता नहीं चला, और ना कुछ काम भी नहीं हुआ मेरा आज, आज मैं फुल रेस्ट के मूड में हूँ। कल मेरा वर्क मूड ऑन था और आज मेरा रेस्ट मूड ऑन है, तो मैं फुल रेस्ट में हूँ। सो फाइनली मैं निकल रही हूँ घर से मार्केट की तरफ, और अब जाता है तो सब्जी वगैरह ले जाती हूँ, आलस तो मेरा खैर कभी ख़त्म नहीं होगा। और बेब का भी मैं कॉल आया था, बोलते हैं कि प्लीज़ सैलड ले आना, तो चलिए सैलड ही लेके आती हूँ और कुछ दिन लाऊंगी। तो क्या हाल है दिल्ली की सड़कों पर, गर्मी और बाहर कीचड़ वीचड़ देख कर ना मेरे को मन नहीं करता जाने का, फिर भी जाके मैं आ चुकी हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं, एक सब्जी और खीरा बब्बू ने बोला था, बस वही लेकर आए, और दही। गर्मी ऐसी लग गई ना, उमस होगी बहुत ज़्यादा, 11 बजने वाला है और ये वहाँ से आए नहीं, और रात के टाइम पे इन्हें फरमाइश हो रही कि कुछ इनकी टाइम फरमाइश आ रही कि कुछ और बनाओ, कुछ अलग बनाओ, कुछ अच्छा सा बनाओ, ना बनाओ तो मुँह फुला ले कद्दू जैसा, और ना टाइम देखते हैं। अब बताओ 11 बज रहा है, अभी तक आए नहीं है, और अभी मैं एक नई डिश ट्राई कर रही हूँ रात को 11 बजे, कोई मजाक है क्या? क्या बन रहा भाई रात को 12 बजे? सुबह मेरे से कोई नाश्ते की उम्मीद मत करना ना, लंच की उम्मीद करना, यही खाने आपने, यारा खराब हो गए, मैं जल्दी जल्दी में नीचे को आपका मैसेज देख के खराब हो गई। तो रात को हमारे, रात को क्या बन रहे हैं? बड़े बड़ा बन रहे हैं, वो भी चावल वाले, चावल के आटे के, चावल के आटे के, मतलब चावल की हुई खराब हो गया यार, एक रात के 12 बज रहे हैं अभी, आज आते आते लेट हो गई ऑफिस से, यहाँ पीछे चल लिए, और क्या पता नहीं क्या आया तुम्हारा, क्या है देखो क्या आया, कैसे देखो नजर घुमा के, देखो क्या आया, नजरें घुमा के क्या मैंने देख लिया, तुमने मेरे को बताया नहीं आया करके, फिर मंगा दिया तुमने फ्लावर पॉट, अच्छा बना किया मना किया, मेरे को चाहिए था, मेरा मन आया था, कब से अटका था, पता नहीं क्या कर रही है इस फ्लावर पॉट का, यहाँ ये फ्लावर लगाने की जगह भी नहीं, इतने में कौन सा फ्लावर लगा रहा पता नहीं। चल मूवी कौन सी देख रहे तुम? ऐसी लगाई थी कुछ भी टाइम पास थी। कैसा लगा फिर आपको नया एक्सपेरिमेंट? बातों को बोला तो छूट गया, वैसे स्वाद में तो अच्छा हो रहा, तेल बहुत हो गया है, तेल अन्य चीज़ ट्राई किया था मैंने, तो इसलिए
टाइम भी अब बाबू नींद लगने लग गया मेरे को, 1 बज गया है अब, मेरे से कुछ नहीं होता है किचन विचन का। तो जी चलिए आज के ब्लॉग को करते यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपसे आने वाले कल के नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो प्लीज शेयर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय माता दी। हाँ पे 10 किलो तेल ला रहा।